स्वागत है आपका एसएससी अड्डा पे और अड्डा 24/7 पे। चलेगा आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, और सेशन की शुरुआत कहां से होगी भाई? तो सेशन की शुरुआत होगी ये जो मंथ का सुपर सेल चल रहा है भाई, पैसा बचाना तो उद्देश्य होना चाहिए, और पैसा बचे कैसे और ज्ञान भी कैसे मिले, उसके लिए अड्डा ने आपके लिए मंथ का इंड सुपर सेल लाया है दोस्त। याद रखना दोस्त कि ये जो इंड सुपर सेल आया है, इससे आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो। चाहे आप अड्डा का महापैक खरीदो, चाहे आप एसएससी के लिए खरीद लो, चाहे आप बैंकिंग के लिए भी जाके खरीदो, बैंकिंग का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो दोस्त उसका, या आप कोई टेस्ट सीरीज खरीदिए, या हजारों से ज्यादा वीडियो कोर्सेज जो हमारे पड़े हुए हैं उन्हें परचेस करिए। आज सबके सब आपको फ्लैट 30% ऑफ पे मिलना, फ्लैट 30% ऑफ पे। कितने फ्लैट पे भैया? फ्लैट 30% ऑफ पे मिल रहे हैं। याद रखिएगा, अगर दोस्त यही चीज आप अड्डा के ऐप पे जाके करेंगे तो आपको 30% तो ये मिलेगा ही मिलेगा, 5% और मिलेगा, मतलब दोस्त टोटल आपको 35% अप टू ऑफ मिल जाएगा। तो ये चीजें जो भी आपके काम की, आपके काम की, यदि आपको टेस्ट सीरीज लगती है टेस्ट सीरीज परचेज करिए, यदि आपको वीडियो कोर्सेज, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्त अड्डा स्टोर पे आपके काम। अच्छा, यही नहीं कि आपको पूरा पैकेज खरीदना है दोस्त, सब्जेक्ट वाइज, जैसे मान लीजिए आप एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम दे रहे हैं, 10+2 CHSL, या फिर रेलवे, अगर आपको लगता है सिर्फ आपका जीएस का सेक्शन वीक है तो दोस्त जीएस का सेक्शन पढ़ा, आपको लगता है नहीं मुझे पूरा एसएससी की तैयारी करनी है तो दोस्त फाउंडेशन 2.0 के नाम से फाउंडेशन बैच पढ़ा हुआ है, मतलब एज पर योर नीड। ये नहीं कि आपकी मजबूरी बने कि आपको ये खरीदना ही खरीदना है, एज पर योर नीड सब कुछ अवेलेबल है अड्डा स्टोर पे दोस्त। बस आपको सिंपल सा क्या करना है दोस्त, ये जो रेफरल कोड है दोस्त बंपर, बंपर रेफरल कोड उपयोग कर लीजिए, आपको ये मिल जाएगा। क्लियर है दोस्त? चलिएगा पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आज दोस्त हम लोग की सुबह 11 बजे शो नहीं हो पाया था तो उसको डिस्टरबेंस के लिए सॉरी, उसी को दोबारा लेकर के आया हूं। और दोस्त हम लोग जो दोबारा ये शो करने वाले हैं, इसमें एक के बाद एक 20 बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे, सभी लोग जुड़े रहना और कोशिश करना कि आंसर अच्छे से करने की। क्लियर है दोस्त? चलो विदाउट लेट किए सेशन की शुरुआत करते हैं। सुबह 10 क्वेश्चन तक हो गया था, उसके बाद सेशन डिस्टर्ब हुआ था। तो तलवार जैसी चोच वाली हमिंग बर्ड के बारे में विशेष क्या है भाई? याद रखिएगा, तलवार जैसी चोच वाली हमिंग बर्ड के बारे में विशेष क्या है? तो यह विश्व की सबसे छोटी चिड़िया है। बिल्कुल दोस्त, यह विश्व की सबसे छोटी चिड़िया है। उसके अलावा दोस्त इसकी आप जानते हो इसका माप कितना है? इस चिड़िया का माप दोस्त मात्र 7.5 सेंटीमीटर से लेकर के 13 सेंटीमीटर के बीच में है, 13 सेंटीमीटर के बीच में है। और दोस्त इस चिड़िया को, हमिंग बर्ड को दोस्त हम लोग गुंजन पक्षी भी कहते हैं। कौन सा पक्षी कहते हैं? गुंजन पक्षी भी कहते हैं। क्लियर है? याद रखिएगा, इसको गुंजन पक्षी भी कहते हैं सर जी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? 10 क्वेश्चन बहुत तेजी के साथ होंगे। जापान की राष्ट्रीय पोशाक दोस्त किमोनो है, जापान की राष्ट्रीय पोशाक किमोनो है। लेकिन याद करना, इसको विशेषतः महिलाएं पहनती हैं। कौन पहनती हैं? विशेषतः महिलाओं द्वारा, विशेषतः महिला धारण करती हैं इसे। ठीक है, विशेषतः इसे महिला धारण करती हैं। अच्छा बताइएगा, जापान की संसद का नाम क्या है? तो भैया अगर जापान की संसद आपसे रेलवे पूछे तो याद रखिएगा, जापान की संसद का नाम डायट है। जापान की संसद का नाम क्या है दोस्त? डायट है। और जापान की एयरलाइंस का नाम क्या है? JAL, जल, याद रखिए, जापान एयरलाइंस। क्लियर है? जापान एयरलाइंस इसकी संसद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 अगस्त 2016 में फिल इन दी ब्लैंक्स, यहां पे फिल इन दी ब्लैंक्स है दोस्त, फिल इन दी ब्लैंक्स है। तो आपको बताना है दोस्त कि 20 2016 में राजभवन में स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले एक बंकर पाया गया, किस राज्य का वो राजभवन था? दोस्त याद रखना, वो महाराष्ट्र था। वो कौन सा था दोस्त? बिल्कुल महाराष्ट्र था। रितु जायसवाल जी, भूप चंद्रा जी, दीपेन तिवारी, अंड्रिल दास जी, और ये महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र से दो क्वेश्चन अक्सर पूछता है रेलवे में कि महाराष्ट्र का लोकल नृत्य कौन सा है दोस्त? लावणी और तमाशा। महाराष्ट्र का लोकल नृत्य कौन कौन सा है? लावणी और तमाशा है दोस्त। याद रखिएगा, महाराष्ट्र में ही आपको गेटवे ऑफ इंडिया मिलता है, गेटवे ऑफ इंडिया मिलता है। महाराष्ट्र में ही दोस्त बीबी का मकबरा है, रिवीजन करते रहो, महाराष्ट्र में ही बीबी का मकबरा पाया जाता है दोस्त। और याद रखिएगा कि महाराष्ट्र में ही आपकी अजंता और एलोरा की गुफाएं पाई जाती हैं। भाई एक क्वेश्चन के बहाने कई क्वेश्चन पढ़ना है, क्लियर है ना? अजंता एलोरा गुफा भी कहां पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। बिल्कुल दोस्त, महाराष्ट्र में पाई जाती है, अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रमन मैक्सेस पुरस्कार, रमन मैक्सेस पुरस्कार विजेता अंशु गुप्ता निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन से संबंध है? आपको बताना है रमन मैक्सेस, ठीक है? याद रखना दोस्त, रमन मैक्सेस पुरस्कार ये गूंज नाम के संस्था से, ये गूंज क्या है दोस्त, तो बेसिकली गूंज एक एनजीओ है जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी। गूंज एक एनजीओ है दोस्त, इनकी जो इनके साथ जुड़े हुए व्यक्ति अंशु गुप्ता को रमन मैक्सेस पुरस्कार मिला था। और रमन मैक्सेस पुरस्कार को और हम क्या कहते हैं दोस्त, कई बार रेलवे पूछता है, एशिया का नोबेल, एशिया का नोबेल के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। क्लियर है दोस्त, एशिया का नोबेल। अच्छा, एक दोस्त पूछ रहे हैं सर आज इतने जल्दी क्यों? नहीं दोस्त, 7 बजे भी क्लास है, ये तो एनटीपीसी की क्लास डिस्टर्ब हुई थी इसलिए आ गया हूं। 7 बजे भी क्लास है, 7 बजे आपको मैं सीजीएल के लिए पढ़ाने वाला हूं। क्लियर है ना, ये तो आधे घंटे की क्लास बस इसलिए हो रही है क्योंकि सुबह ये क्लास डिस्टर्ब हो गई थी, तो इसलिए दोस्त ये क्लास अभी शेड्यूल हुई है। अगला, टाटा मोटर्स ने मूल रूप से जीका नाम की कार का नाम बदलकर क्या रखा है? याद रखना दोस्त, टाटा मोटर्स ने मूल रूप से जीका नाम की कार बदल करके क्या रखा है, तो टियागो। एक्चुअली दोस्त सन 2016 में यह हुआ था, सन 2016 में यह हुआ था जब टियागो कार प्रचलन में आई थी और जीका से उसका नाम बदल दिया गया था। टाटा मोटर्स की स्थापना, टाटा ग्रुप की अगर स्थापना की बात कर दी जाए दोस्त, टाटा ग्रुप की, तो इस ग्रुप की स्थापना 1868 में किसने की थी, तो याद रखिएगा जमशेदजी टाटा ने। वर्तमान में टाटा ग्रुप के चेयरमैन कौन है, तो नटराजन चंद्रशेखरन। क्लियर है, नटराजन चंद्रशेखरन वर्तमान में इसके ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है दोस्त। याद रखना, ये रिवीजन करवा रहा हूं क्योंकि आज सुबह का शो डिस्टर्ब हो गया था, इसकी वजह से 7 बजे आपका मेन शो है एसएससी सीजीएल। अगला, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है? याद रखना दोस्त, जो डॉल्फिन होती है ना, जो डॉल्फिन है, जो गंगेटिक डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन, इसको हम लोग दो भाग में बांट करके पढ़ते हैं, एक जो गंगा नदी में पाई जाती है और एक जो सिंधु नदी में पाई जाती है। तो जो गंगा नदी में पाई जाती है ना, वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, और जो सिंधु नदी में पाई जाती है वो पाकिस्तान का राष्ट्रीय जलीय जीव है। क्लियर है ना, ये बात ध्यान रखना। तो इसका जो सही आंसर है गंगा रिवर डॉल्फिन, ठीक है ना। भारत में गंगा डॉल्फिन दो जगह पाई जाती है, गंगा नदी में, सिंधु नदी में। जो गंगा में पाई जाती है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, और जो सिंधु इंडस रिवर में पाई जाती है वो सिंधु नदी का राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला क्वेश्चन, जोकिन अल चापो गुजमैन कौन है? ये दोस्त एक बहुत बड़ा ड्रग माफिया है, इसका आंसर ये मैक्सिकन कंट्री का है, ड्रग माफिया, जैसे डी ग्रुप वगैरह नहीं होते हैं, दाऊद इब्राहिम, तो ओसामा बिन लादेन, उस तरीके का ये व्यक्ति है दोस्त, ओ जोकिन अल चापो गुजमैन मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड है। और इसकी जो कंपनी का नाम है दोस्त, मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड, ये मतलब दवाओं का अपना बिजनेस करता रहता है। क्लियर है, दवाओं का बिजनेस करता रहता है। इसकी आपराधिक ग्रुप का नाम है सीनालाओ, क्या नाम है दोस्त, सीनालोआ कार्टेल इसका नाम है, क्या नाम है, सीनालोआ कार्टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कर्ण सीपी क्या है, व्हाट इज एबेलोन, एबेलोन क्या है दोस्त? याद रखना दोस्त, एबेलोन एक भक्षणीय समुद्री घोघा है, और इसकी मदद से ऑस्ट्रेलिया के लोग क्या करते हैं, मछली पकड़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लोग इसकी मदद से मछली पकड़ने का कार्य करते हैं, मछली पकड़ने का कार्य, क्लियर है, मछली पकड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है, इसकी मदद से मछली। अच्छा, रेलवे का एक क्वेश्चन रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन है, यदि कोई बता सके, बिल्कुल अमित दीक्षित जी, मॉडर्न इंडिया करवाऊंगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन है, तो मॉडर्न इंडिया ही करवा रहा हूं, शाम 7 बजे गवर्नर जनरल और वायसराय की क्लास है, अमित दीक्षित जुड़ना जरूर, क्लियर है। अमित दीक्षित शायद तुम्हें जानकारी ना हो, शाम 7 बजे आज ही मॉडर्न इंडिया की क्लास है। ऑस्ट्रेलिया के लोग मछली पकड़ने कार्य करते हैं, और यहां के मूल निवासी कौन है, तो एर्बो जींस। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन है दोस्त, तो एर्बो जींस, याद रहेगा, एर्बो जींस कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं, ठीक है। सोनाली चौहान जी, जरा बहुत बढ़िया से आंसर करने की कोशिश करिए, एर्बो जींस, क्लियर है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन है, तो एर्बो जींस है। और दोस्त ऑस्ट्रेलिया से एक क्वेश्चन करता है, ऑस्ट्रेलिया में दो सोने की खाने हैं,
एक काल गुरली के नाम से है और एक कुलगार्डी। तो अक्सर पूछता है काल गुरली और कुलगार्डी कहां पे हैं। दोस्त ये काल गुरली और कुलगार्डी दोनों ही सोने की खान है, दोनों ही गोल्ड माइंस हैं, सोने की खान है। और दोनों ही कहां पाई जाती हैं, दोनों ही दोस्त ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। दोनों ही कहां पाई जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। क्लियर है, चलिएगा। ममराज जाट जी, सनी प्रजापति, दीपांशु कुमार, शाम 7 सर, आज 2 बार क्लास होगा क्या? बिल्कुल कुमारी पूजा जी, क्योंकि पहली बार वाला डिस्टर्ब था। शाम 7 बजे भी क्लास है, बिल्कुल शाम 7 बजे क्लास है। किस भारतीय राज्य ने भारत नेट सेवा लागू करने का फैसला किया है जो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करेगा? दोस्त तमिलनाडु ने। किसने लागू किया है? तमिलनाडु ने। तमिलनाडु का दोस्त सबसे ज्यादा रेलवे में पूछा जाने वाला क्वेश्चन भरतनाट्यम। तमिलनाडु से कौन सा डांस होता है दोस्त? भरतनाट्यम। अच्छा, उत्तर प्रदेश का महाराष्ट्र से कौन सा डांस पूछता है? तो याद रखना, महाराष्ट्र में जो डांस होता है लावणी और तमाशा, ठीक है ना। पंजाब के डांस जो रेलवे में आता है भांगड़ा पूछता है कहां का डांस है। और दोस्त उत्तर प्रदेश में क्या होती है? रसलीला। और रसलीला उत्तर प्रदेश से संबंधित है। क्लियर है, रसलीला। और उसके अलावा दोस्त रासलीला, रसलीला नहीं होता, रासलीला। और उसके अलावा दोस्त कथक का संबंध भी उत्तर प्रदेश से है। क्लियर है, कथक का संबंध भी उत्तर प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा तेजी से। निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे? दोस्त अगर ऑप्शंस को ध्यान दिया जाए, सुमित जी, कुमारी पूजा जी, रविंदर जी, श्रवण कुमार, राधा राधा एसआर, सरिता टांग, अगर हम लोग ऑप्शंस के हिसाब से जाएं तो नील्स बोहर तो परमाणु मॉडल के साथ जुड़े हैं, आइजेक न्यूटन गति के साथ जुड़े हैं, सिगमंड फ्रायड इसका बिल्कुल सही आंसर है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, सिगमंड फ्रायड को मनो विश्लेषण का पिता कहा जाता है। सिगमंड फ्रायड जो है दोस्त, इन्हें मनोविश्लेषण का पिता, विश्लेषण का पिता, मनोविश्लेषण का पिता नाम से भी जाना जाता है। मनोविश्लेषण का सिगमंड फ्रायड को पिता भी नाम से जाना जाता है। बिल्कुल प्रदीप कुमार जी, अदित नारायण, मोहम्मद रिजवान, शाम 7 बजे गवर्नर जनरल एंड वायसराय पे क्लास है, जुड़ना जरूर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ब्लैक ड्यूटी कहा जाता है? भाई आज तक तो हम लोग पढ़े थे कि ब्लैक ब्यूटी किस प्लेयर को कहा जाता है, तो ब्लैक ब्यूटी किस प्लेयर को कहा जाता है दोस्त? तो याद रखेंगे, ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स को। सेरेना विलियम्स को हम लोग ब्लैक ब्यूटी के नाम से जानते हैं। क्लियर है ना। अब दोस्त लेकिन पूछ रहा है ब्लैक ड्यूटी किसे कहा जाता है, तो मार्स से एक कोयले के रंग काले रंग का पत्थर आया था दोस्त, उसे कहा जाता है ब्लैक ड्यूटी। उसे क्या कहा जाता है? भूपचंद्रा जी, पिंकू धनंजय, ऋतु जायसवाल, सुंदर कुमार, उसे क्या कहा जाता है? उसे ब्लैक ड्यूटी कहा जाता है। साथ ही साथ दोस्त याद रखना, ये पत्थर जो हमें मिला था वो कब मिला था? सन 2011 में ये पत्थर हम पृथ्वीवासियों को मिला था। क्लियर है, सन कोल आंसर नहीं है दोस्त, डी ब्लैक ड्यूटी कोयला को कहा जाता है। बिल्कुल मार्स से कोयले के रंग का, ऐसे ही क्वेश्चन तुक्का लगाने वालों का ऐसे ही गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन, HF चिन्ह के एलिमेंट हैफनियम का नाम निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिया गया है? आप जानते हो पीरियोडिक टेबल होता है, पीरियोडिक टेबल की खोज किसने की थी? और मॉडर्न, याद रखना दोस्त, पीरियोडिक टेबल की खोज किसने की थी? तो मेंडलीव ने की थी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खोज किसने की थी? तो मोजले ने की थी। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल की, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की मोजले ने। उसी पीरियोडिक टेबल में दोस्त एक तत्व है जिसका नाम है हैफनियम, उसका नाम किस स्थान पर रखा गया जरा बताइएगा, ठीक है? तो भाई याद रखना कि 12वें क्वेश्चन का जो आंसर है कोपहेगन। क्लियर है, उसका आंसर क्या है? कोपहेगन। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन ने 2 अक्टूबर 2016 को सुविख्यात भारतीय संगीतक की याद में डाक टिकट जारी किया, जरा बताइएगा दोस्त कौन है? दोस्त वो कोई और नहीं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 1966 में परफॉर्म करने वाली सबसे पहली महिला MS सुबु लक्ष्मी। ये इतनी इंपॉर्टेंट महिला है दोस्त, जिसके बारे में क्या कहा जाए कि MS सुबु लक्ष्मी पहली एशियाई महिला भी हैं। देखो इनसे कई बातें जुड़ी हैं, पहली एशियाई महिला हैं जिन्हें रमन मैक्सेस पुरस्कार मिला। अगर कभी ये भी पूछ दे कि पहली महिला जिसे रमन मैक्सेस पुरस्कार मिला, तो वो MS सुबु लक्ष्मी ही है, ठीक है ना। रमन मैक्सेस पुरस्कार मिला, पहली महिला है जिन्हें रमन मैक्सेस पुरस्कार मिला। उसके अलावा दोस्त
एमएस सुबुलक्ष्मी जी 1966 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पहली भारतीय महिला हैं, पहली भारतीय महिला जिन्होंने परफॉर्म किया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पहली भारतीय महिला जिन्होंने परफॉर्म किया, क्लियर है, जिन्होंने परफॉर्म किया। तो भैया इनसे बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, परफॉर्म किया, क्लियर है, परफॉर्म किया, पहली महिला, एशियाई महिला जिन्हें ये मिला। उसकी बात दोस्त, ये पहली महिला संगीतज्ञ है जिन्हें भारत रत्न मिला है। यदि आपसे कभी कोई पूछे कि पहली महिला संगीतज्ञ जिसे भारत रत्न मिला, तो भैया वो एमएस सुबुलक्ष्मी है, ठीक है, सागर कुमार जी, वो एमएस सुबुलक्ष्मी है। जरा एक बात समझना दोस्त, इनसे कितनी बातें पहली पहली जुड़ी हैं। पहली महिला भारतीय कलाकार संगीत के क्षेत्र की जिन्हें भारत रत्न मिला, तो एमएस सुबुलक्ष्मी। पहली महिला भारतीय कलाकार जिसने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में परफॉर्म किया, तो एमएस सुबुलक्ष्मी। पहली एशियाई महिला जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, तो एमएस सुबुलक्ष्मी। कितनी इंपॉर्टेंट बातें इनसे जुड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किससे संबंधित हैं? दोस्त डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किससे संबंधित हैं, तो बताइएगा कि डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किससे संबंधित हैं। तो याद रखना दोस्त, डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष जो है दोस्त, इकोलॉजी से संबंधित हैं। अच्छा, इको पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, आपको यह बताना है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। दोस्तों जरा जुड़ करके बताइएगा कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम करने वाले व्यक्ति कौन है, आपको बताना है दोस्त, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन है। तो भैया जो व्यक्ति सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किए, उनका नाम था टेंसले, उनका नाम क्या था, टेंस, क्लियर है, टेंसले, टेंसले, क्लियर है, उनका नाम क्या है, तो टेंसले, उनका नाम है टेंसले, क्लियर है, टेंसले, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था टेंसले ने, बिल्कुल, ध्रुव ज्योति घोष एक बहुत बड़े, और ध्रुव ज्योति घोष को IUCN का लुक हाफ मैन अवार्ड भी मिला है। इनको IUCN ने, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने कौन सा अवार्ड दिया है ध्रुव ज्योति घोष को, लुक हाफ मैन, लुक हाफ मैन अवार्ड, इनको लुक हाफ मैन अवार्ड भी मिला है, ठीक है, अवार्ड भी मिला है, लुक हाफ मैन अवार्ड भी मिला है, क्लियर है दोस्त। चलेगा अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, ये रहा, अंजलि ईला मेनन कौन है, याद रखना दोस्त, अंजलि ईला मेनन जो है वो भारतीय महिला कलाकार हैं, जो एक बहुत बड़ी पेंटर हैं, जो एक बहुत बड़ी पेंटर हैं। इनका जन्म 17 जुलाई 1940 को हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था दोस्त 17 जुलाई 1940, क्लियर है, 17 जुलाई 1940 को इनका जन्म हुआ था। अच्छा, 17 जुलाई 1940 को इनका जन्म, अगर आपसे ये पूछ दे कहां हुआ था, तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में हुआ था, इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था, क्लियर है दोस्त। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है, मगरमच्छ के बच्चे को, याद रखना दोस्त, मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहा जाता है, मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहा जाता है, और गोसलिंग किसको कहा जाता है, हंस के बच्चे को, हंस के बच्चे को गोसलिंग, क्लियर है, हंस का बच्चे गोसलिंग, कोडलिंग कार्ड मछली का बच्चा, ठीक है, कार्ड मछली का बच्चा, कार्ड मछली के बच्चे को कोडलिंग कहा जाता है, और दोस्त फिगरलिंग किसे कहा जाता है, तो दोस्त फिगरलिंग मछली के बच्चे को कहा जाता है, क्लियर है ना, मछली का बच्चा, ये बातें ध्यान रखना, मछली का बच्चा, क्लियर है, मछली का बच्चा, 16वें का डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी, याद रखना दोस्त, दुनिया की पहली महिला जिन्होंने मेडिकल स्कूल से स्नातक किया वो कोई और नहीं, एलिजाबेथ ब्लैकवेथ थी। देखो कितनी अलग इंफॉर्मेशन है दोस्त, अभी सात बजे क्लियर है, 7 PM पर, अभी 7 PM पर मैं क्लास लूंगा वायसराय टॉपिक के ऊपर, वायसराय टॉपिक पर, क्लियर है, वायसराय के ऊपर क्लास है, वायसराय क्लास है, क्लियर है, वायसराय टॉपिक पर अभी क्लास है, तो 7 PM पे जरूर जुड़िएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, ग्राफीन क्या है, ग्रेफीन, एक्चुअली ग्रेफीन कार्बन का अपर रूप है, या एक लोकप्रिय ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, या एक मिथिकल एनिमल, एक पौराणिक जानवर है, या एन इन्फेक्टेड बाउंड, एक संक्रमित घाव का नाम है, बताइएगा दोस्त ग्रेफीन क्या है। तो याद रखना दोस्त, जो ग्रेफीन है वो एक
क्या है, तो कार्बन के अपर रूप को ही हम ग्रेफीन कहते हैं। कार्बन के अपर रूप को हम क्या कहते हैं दोस्त? ग्रेफीन कहा जाता है। कार्बन के अपर रूप को हम लोग ग्रेफीन कहते हैं। बिल्कुल अजीत जी, श्रेया पांडे जी, ऋतु जायसवाल, दीपक कुमार पाल, भूपचंद्र दोस्त, 7 बजे गवर्नर जनरल वायसराय की क्लास में जरूर जुड़िएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, UNHCR किसका संक्षिप्त रूप है? मतलब आपको UNHCR का फुल फॉर्म बताना है, UNHCR का आपको फुल फॉर्म बताना है दोस्त। तो याद रखिएगा, UNHCR का जो फुल फॉर्म है दोस्त वो क्या है? यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। क्लियर है? यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। क्लियर है? UNHCR, ठीक है, ध्यान रहेगा। यूएनएससीआर का क्या है? यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। 19वें का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट के आविष्कार से जुड़े हैं, आपको बताना है थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट किसके आविष्कार से जुड़े हैं, यह आपको बताना है दोस्त। थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट किसके आविष्कार से जुड़े हैं? एक्सरे मशीन, क्लिनिकल थर्मोमीटर, स्टेथोस्कोप या तो माइक्रोस्कोप। तो थोड़ा सोच समझ के आंसर करिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। भाई इसका जो सही आंसर है दोस्त वो 20वें क्वेश्चन का है, क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लियर है? और लेकिन दोस्त यदि सिर्फ थर्मामीटर पूछ देता, अगर कहता कि सिर्फ थर्मामीटर का बताइए, तो याद रखिएगा सिर्फ थर्मामीटर का आविष्कार करने वाले हैं जी फॉरेनहाइट। सिर्फ थर्मामीटर रहता तो जी फॉरेनहाइट ने किया है। क्लियर है? लेकिन दोस्त यहां पे तो क्लिनिकल थर्मामीटर है, तो थॉमस क्लिफर्ड ने क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार किया हुआ है। क्लियर है? थॉमस क्लिफर्ड ने क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार किया हुआ है। क्लियर है? थॉमस क्लिफर्ड। तो दोस्त ये आज के 20 क्वेश्चन है दोस्त। आप लोग के लिए एक बेहतरीन ऑफर है दोस्त, वो जरा देख लीजिएगा दोस्त। वो क्या है? इस महीने का आखिरी दिन अब एक दिन में आने वाला है दोस्त। आज हम लोग 29 तारीख में है। अड्डा 24/7 की टीम आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर लेके आई है, जिसमें ऑल स्टडी मटेरियल पे आपको 30% मंथ के एंड में ऑफ मिल रहा है। और याद रखना दोस्त, अगर यही आप अड्डा के ऐप पे प्रयोग करोगे तो आपको 30% तो मिलेगा ही मिलेगा, 5% ये भी मिलेगा। आप चाहे अड्डा की टेस्ट सीरीज खरीदें, लाइव क्लासेस खरीदें, महापैक खरीदें, वीडियो कोर्सेज खरीदें, ई बुक्स लें, सब पे आपको आज अगर आप बंपर कोड का उपयोग कर लेते हो या फिर मेरे रेफरल कोड Y182 का प्रयोग कर लेते हो तो भी आपको यह ऑफर मिलेगा। मेरा रेफरल कोड क्या है? Y182। बल्कि मेरा रेफरल कोड अगर आप प्रयोग करके परचेस करेंगे दोस्त, तो मेरे रेफरल कोड पे तो आपको थोड़ा और, भाई आपका फैकल्टी हो तो थोड़ा छूट तो और देते बनता है, और वो आपको Y182 पे आपको क्या मिल जाएगा दोस्त? Y182 पे आपको मिल जाएगा 32% प्लस 5%, मतलब आपको मिल जाएगा टोटल 37% ऑफ। कितना मिल जाएगा? 37%। 32% तो मेरे फैकल्टी कोड का मिलेगा, 5% आपको ऐप का मिलेगा, तो 37% तक आपको ऑफ मिल जाएगा। अब दोस्त शाम 7 बजे मुलाकात होगी। कब मुलाकात होगी? शाम 7 बजे मुलाकात होगी। और शाम 7 बजे दोस्त हम लोग मुलाकात करने वाले हैं किसके लिए? शाम 7 बजे हम लोग SSC CGL के गवर्नर जनरल एंड वायसराय के लिए, मतलब अब से बस 20-25 मिनट बाद एक बेहतरीन टाइप की क्लास चलने वाली है। ये तो मैं जो सुबह सेशन छूट गया था उसे आपके लिए लेके आया था कि भाई हमारे स्टूडेंट्स का नुकसान न हो, ये अड्डा 24/7 की सबसे बड़ी उपलब्धि रहती है सोचना इस क्षेत्र में। क्लियर है दोस्त? शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिएगा दोस्त, जो हमारे नए दोस्त हैं सब्सक्राइब करेंगे, शाम 7 बजे आपसे फिर से मुलाकात होती है, शाम 7 बजे। क्लियर है? कितने बजे मुलाकात होगी दोस्त? तो शाम 7 बजे मुलाकात होगी। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।